नमस्ते भाइयों, इस वीडियो में हम वाइटलिटी T20 ब्लास्ट 2024 के जो मैच होगा उस मैच के बारे में एनालिसिस करूंगा। ये एक मैच है नॉर्थम्पटनशायर वर्सेस डर्बीशायर। ये मैच होगा 13 मई, मतलब कल थर्सडे रात 11 PM काउंटी ग्राउंड में। पिच रिपोर्ट, ये पिच बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए हेल्पफुल है। पार स्कोर यहाँ पे 200+। नॉर्थम्पटनशायर टीम न्यूज़, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल प्लेयर एस्टोनागर 20 वर्ल्ड कप के लिए ये मैच नहीं खेलेगा। उनके जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर सिकंदर राजा को लिया गया है और स्टील बैक्स फिनिश किए थे पिछले साल 6th प्लेस पे। स्टील बैक्स टीम बैटिंग, साउथ अफ्रीकन टॉप बैटर मैथ्यू बेट्स के इस टूर्नामेंट में है और उन्होंने साउथ अफ्रीका T20 में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया है। स्टील बैक्स टीम बॉलिंग में एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है स्टील बैक के पास। डर्बीशायर को बैटर्स को दिग्गज में फेल सकता है। कैप्टन है डेविड विली और बेन सैंडरसन ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। उसके साथ इकोनॉमिकल स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है सिकंदर राजा। स्टील बैक्स टीम फॉर्म, स्टील बैक्स पिछले साल T20 ब्लास्ट में लास्ट 3 मैचों में 2 मैच हारे गए थे। स्टील बैक्स प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, मैथ्यू ब्रिज की, रिकार्डो भास्कोन्सिलोस, इमिलोगे, डेविड विली कैप्टन, सिकंदर राजा, सैब जैब, जस्टिन ब्रॉड, लुइस मैकमानस विकेट कीपर, बेन सैंडरसन, फ्रीडी हेड्रिज और टॉम टेलर। डर्बीशायर टीम न्यूज़, डर्बीशायर के पास मोहम्मद आमिर थे लेकिन वो नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। बिल टिकनर और ड्रेन डुपा विलन खेलेंगे इस मैच में। डर्बीशायर बैटिंग, हैरी केम और वेन मैटसन है और कैप्टन है इस टीम का लुइस डिप्लॉय। डर्बीशायर टीम बॉलिंग, डर्बीशायर के पास पेस अटैक बहुत अच्छे है और ओवरसीज प्लेयर है लाइक जॉर्ज स्क्रिमशॉ बॉलर है, अच्छे लाइन के साथ बॉलिंग करते हैं, इसलिए T20 इंटरनेशनल टीम में उनको मौका मिला है। डर्बीशायर टीम फॉर्म, डर्बीशायर नॉकआउट स्टेज में बहुत बुरी तरह हार गए थे और लास्ट 3 मैचों में वो 2 मैच हारे। दोनों ही टीम ठीक ठाक है लेकिन नॉर्थम्पटनशायर स्टील बैक्स के पास अच्छे बैटिंग लाइनअप है, तो इस मैच में हमारे तरफ से एडवांस मैच होने रहेंगे नॉर्थम्पटनशायर स्टील बैक्स। अगर कुछ चेंज हुआ तो टेलीग्राम में अपडेट किया जाएगा, आप लोग मैच टाइम एक्टिव रहना टेलीग्राम पे। T20 ब्लास्ट का और एक मैच यॉर्कशायर वर्सेस ऑर्केस्ट्राशायर बीच मुकाबला होगा 30 मई थर्सडे 11 PM हेडिंगली लीड्स में। रिपोर्ट, लीड्स में कुछ दिन से बारिश हुआ है इसलिए इस पिच पर ज़्यादा पेस नहीं होगा। यॉर्कशायर टीम न्यूज़, T20 ब्लास्ट 2023 में 6 मैच जीते थे ओनली और इस साल जॉनी बेयरस्टो, आदिल रशीद, हैरी ब्रुक फिलहाल नहीं है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के टीम के लिए वो लोग खेलेंगे। टीम बैटिंग, लास्ट सीजन कुछ खास नहीं कर पाए थे और अभी 2 एक्सपीरियंस टैलेंटेड लेफ्ट हैंडेड बैटर है, टॉप ऑर्डर बैटर एडम लिथ और डेविड मालान। यॉर्कशायर टीम बॉलिंग, बॉलिंग में है जॉर्डन थॉमसन, डोमिनिक बीस और मैथ्यू फिशर। पीट वाइसे भी इस टीम में शामिल है लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए वो ये मैच नहीं खेलेगा। यॉर्कशायर टीम फॉर्म, यॉर्कशायर पिछले साल T20 ब्लास्ट में लास्ट 5 मैच में 1 भी मैच नहीं जीते थे। यॉर्कशायर प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, एडम लिथ, डेविड मालान, सान मासूद कैप्टन, डोनोवन फेरारिया, जोनाथन टेटरसल, विल फ्रेन, जॉर्डन थॉमसन, डोमिनिक बीस, मैथ्यू फिशर, मैट मिलनेस और मिकी एडवर्ड्स। ऑर्केस्ट्राशायर टीम न्यूज़, पिछले साल T20 ब्लास्ट में क्वार्टर फाइनल में हार गए थे हैम्पशायर के खिलाफ 5 विकेट से और ग्रुप स्टेज में उनको 3rd प्लेस मिले थे। ऑर्केस्ट्राशायर बैटिंग, कैप्टन है ब्रेट डी ऑलिवेरा और जैक हाइनी ओपन करेंगे। बेन कॉक्स और एडम होस भी है बैटर्स में, अच्छे अच्छे स्कोर कर सकते हैं ये दोनों। ओसो अमीर और 8 प्लॉक भी कैपेबल है लोअर डाउन ऑर्डर में
रान बनाने के लिए। ऑर्केस्ट्रा टीम बॉलिंग होते अच्छी स्पिनर उसम आमिर, नाथान स्मिथ, पैट ब्राउन, डिलन पेनिंगटन है और इन सारे प्लेयर के पास बहुत अच्छे T20 रिकॉर्ड्स है। ऑर्केस्ट्रा सर टीम फॉर्म, ऑर्केस्ट्रा सर लास्ट 5 मैचों में 2 मैच हार गए। ऑर्केस्ट्रा सर प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, ब्रेट डी ऑलिवेरा कैप्टन, जैक हाइनिस, एडम होस, बेन कॉक्स विकेट कीपर, एट प्लॉक, कासिफ अली, उसम आमिर, नाथान स्मिथ, पैट ब्राउन, डिलन पेनिंगटन और एडम फिंच। सर वर्सेस ऑर्केस्ट्रा सर मैच प्रेडिक्शन, ऑर्केस्ट्रा सर पिछले साल अच्छे कैंपेन गया था उनको योग सर के तुलना में और ये नया सीजन है और बहुत ही अच्छे होम ग्राउंड सपोर्ट है योग सर के पास और टॉप ऑर्डर बैटर भी बहुत अच्छे है, इसलिए हमारे तरफ से एडवांस मैच चुने रहेंगे योग सर। कुछ चेंज हुआ तो टेलीग्राम में अपडेट किया जाएगा, आप लोग मैच टाइम एक्टिव रहना टेलीग्राम पे।